सभी को नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है मेरे चैनल बी क्रिएटिव एंजॉय प्रेजेंट लाइव में। और दोस्तों, आज हम देहरादून में हैं और हम देहरादून से चकराता जा रहे हैं, जो कि चकराता 100 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और रोड काफ़ी अच्छा बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे पास अभी 800 ऑल्टो 800 है, अल्टो है सॉरी 800 नहीं ऑल्टो है ये, और काफ़ी अच्छी रोड है। तो हम हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल, और हम आपको चकराता घुमाते हैं। हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, चकराता भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित एक नगर है, जो कि 2118 मीटर यानी कि 6949 फुट पर बसा यह स्थान एक पर्वतीय पर्यटक स्थल होने के साथ साथ एक छावनी भी है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ा आर्मी कैंट है जो हमारी चाइना बॉर्डर के लिए लगाया गया है। दोस्तों, चकराता प्रकृति गोद में बसा हुआ एक फेमस हिल स्टेशन है। यह पहाड़ों के राजा के नाम से प्रसिद्ध है। चकराता उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और चकराता के पूर्व में यमुना नदी व पश्चिम में टोंस नदी स्थित है। दोस्तों, चकराता अपने शुद्ध एवं शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। इस ब्लॉग में हम चकराता के सभी महत्वपूर्ण पर्यटनों के बारे में जानते हैं। चलो, तो सबसे पहले दोस्तों, चकराता में एक तो सबसे मैंने पहले ही बताया आपको सैनिक छावनी है। इसके अलावा दोस्तों, लाखामंडन है, टाइगर फॉल है। हालांकि हम टाइगर फॉल गए नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास समय की बाउंडेशन थी तो इसलिए हम नहीं गए। इसके अलावा बुढ़े टॉप है, चिलमिरी पॉइंट है, हाँ यहाँ ज़रूर गए, और जो कि बहुत ही सुंदर था। आपको पूरा ही हिल व्यू मिलता है, और यहाँ पे बर्फ़ भी गिरती है, फर्स्ट बर्फ़ जो है यहीं गिरती है। रामताल गार्डन है, देवबंद है, कनासर है, हनोल है, और किमोना फॉल है। तो दोस्तों, यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने लायक है जो कि आपका मन मोह लेगी। दोस्तों, चकरा में करने लायक कई चीज़ें हैं, जैसे कि ट्रैकिंग हुआ, रिवर राफ्टिंग हुआ और कैंपिंग हुआ। दोस्तों, स्नोफॉल भी होता है चकराता में। चकराता का मौसम है जो वो हर समय ठंडा ही बना रहता है, गर्मियों में ही इतना ठंडा होता है। इस समय हम गर्मियों में जा रहे हैं, हालांकि देहरादून में काफ़ी गर्मी पड़ रही है, जबकि वहाँ पर बिल्कुल ठंडा था, तो ये एक अच्छी बात है। तो हमने अभी, चलो हमारे साथ, हम आपको चकराता घुमाते हैं और जो जो हमने स्थान देखे हैं हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, चकराता पहुंचने के बाद कुछ जगहें हैं जो चकराता से थोड़ी दूर है, दूरी पर है, जैसे कि टाइगर फॉल चकराता से 15 किलोमीटर दूर है, बुधेर केव्स 25 किलोमीटर दूर है, लाखामंडल 70 किलोमीटर दूर है, और रामतल गार्डन है वो 9 किलोमीटर दूर है, चिलमरी पॉइंट है जो कि 3 किलोमीटर दूर है, जो कि सबसे पास में यही है, और देवबन है जो कि 25 किलोमीटर है, कुमाऊँ किमोना फॉल जिसे कहते हैं वो 5 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, ये जो भी है सब, मतलब इनका जो डिस्टेंस है चकराता से है, तो यहाँ पे जरूर जाइए, ये सब देखने लायक स्थान है। हाँ दोस्तों, मैं आपको लाखामंडल के बारे में बताता हूँ। एक्चुअली में ये 70 किलोमीटर दूर है चकराता से, और 125 किलोमीटर देहरादून से है, और यह मसूरी यमुनोत्री रोड पर स्थित है। यह एक ऐतिहासिक व पौराणिक महत्व का स्थल है, जिसका संबंध महाभारत काल से माना जाता है। तो यहाँ पर जरूर जाइए, और कहते हैं कि यहाँ पे कौरवों ने पांडवों को जलाने के लिए लाक्षाग्रह का षड्यंत्र यहीं पर रचा था, तो यहाँ ज़रूर जाइए। दोस्तों, इसके बाद आपको टाइगर फॉल है, जो कि 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आप ट्रैकिंग द्वारा जाते हैं तो सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, जहाँ देवदार और चीड़ के विशाल वृक्षों के बीच चलने का कुछ अलग ही मजा है। दोस्तों, टाइगर फॉल 80 से 90 मीटर की ऊंचाई से सीधा गिरता है। इस झरने की यह खासियत है कि यह दूर से नहीं दिखाई देता, यदि आपको इसका लुत्फ उठाना है तो इसके पास आपको जाना पड़ेगा। दोस्तों, वैसे तो हम टाइगर फॉल गए नहीं हैं, क्योंकि हम उत्तरांचल के भरवण में गए हुए थे, तो हर जगह हमने इसका एंजॉय करा, तो हमारे को सिर्फ ये ज़रूर है कि हमने सिर्फ चकराता को एक्सप्लोर करा, चकराता से जो छोटा सा सिटी है उसे एक्सप्लोर करा। इसके बाद दोस्तों, चकराता से ये बुधेर टॉप भी आप जा सकते हैं। बुधेर गुफाओं व घास के मैदानों के लिए प्रसिद्ध है। इसका स्थानीय नाम मोइला हट्टा है। यहाँ पे भी जाइए दोस्तों, ये भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे एक्चुअली में क्षेत्र में जो है देवदार और चीड़ के घने जंगलों से ढका हुआ है, जो एशिया के सबसे घने जंगलों में से एक है, तो यहाँ पे जरूर जाइए। जैसा कि देखिए दोस्तों, हम इस समय कालसी की तरफ मुड़ चुके हैं, और ये कालसी के लिए रास्ता कटता है, और देखिए दोस्तों वहाँ से आपको पर्वत भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज मेरा जो देखिए कालसी जा रहा है रास्ता, तो कालसी के बाद ही चढ़ाई स्टार्ट होती है, जब भी आप अगर चकराता की तरफ जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा 4 किलोमीटर दूर पर यहाँ जो चकराता से चिलमिरी पॉइंट है, जो कि सनसेट और
के लिए बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा जा सकता है यहाँ से। तो यहाँ पे जरूर जाइए, बहुत ही आपको शांति मिलेगी और हवा भी काफ़ी अच्छी चलती है। तो ज़रूर जाइए यहाँ पे और आनंद लीजिए चिलमेरी पॉइंट का। दोस्तों अब कालसी आ गया है, कालसी के बाद से हाइट स्टार्ट होगी और फिर यहाँ से कम 45 किलोमीटर के करीब चक्र आता ऊपर है। तो यहाँ से चक्र आता 45 है और कालसी थोड़ा दूरी है यहाँ से। ये अच्छा हिल स्टेशन है चक्र आता, एक सबसे बड़ा वाटरफॉल है जो यहाँ पे है वो देखेंगे हम। बाकी ये कैंट एरिया है, देखते हैं हम आपको क्या क्या एक्सप्लोर करवाते हैं, एक आधी चीज़ें और देखने की वो हम आपको दिखाएंगे। मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल के साथ देखते रहिए मेरा चैनल बी क्रिएटिव जय भजन लाइव। सामने का दिखा दूँ बोर्ड। हाँ दोस्तों, चक्रातन में जहाँ तक रुकने के लिए की बात है तो आपको होटल आसानी से मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और आप राणा गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट है यहाँ पे भी जा सकते हैं। तो ये अच्छा गेस्ट हाउस है, राणा गेस्ट हाउस जो है चक्राता के पास माकटी पोखरी में स्थित है। यहाँ आपको 1,000 से 2,000 रुपये में प्रतिदिन में होटल आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने पसंद के अनुसार भी चयन कर सकते हैं, यहाँ आपको प्रकृति के अद्भुत नज़ारों भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों कई तरह के होटल हैं हमने जो देखे यहाँ पे, एक राणा गेस्ट हाउस है, एक होटल स्नो व्यू है, रामताल रिजॉर्ट है और हाई हिल MLC हाइट्स है। तो इसमें आप जाके रह सकते हैं और एक अच्छे वेदर का जून में जो इतनी गर्मी होती है उस समय आप वहाँ पे अपना समय बिताइए और आनंद लीजिए इस यहाँ के मौसम का, यहाँ की छटा का। तो दोस्तों चक्राता यहाँ से 14 किलोमीटर के करीब दूर है और हमारी गाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अभी मेरे पास अल्टो गाड़ी है क्योंकि गाड़ी का थोड़ा काम मैंने नैनो का दे रखा कराने के लिए डीलर में, सर्विस स्टेशन में। और मौसम इस समय यहाँ पे ठीक ठाक था, सब हो गया है, गर्मी नहीं है, ठंडी सी हवा चल रही है हल्की। और ऊपर चक्राता कैंटोनमेंट एरिया है जो कि जौनसार एरिया में पड़ता है उत्तरांचल के। तो उत्तरांचल में 3 टाइप के एरिया हैं, एक कुमाऊं और एक आपका गढ़वाल और एक जौनसार। तो आज हम जौनसार के एरिया में जा रहे हैं एक्सप्लोर करने और देखते हैं हमारे को यहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा। एक टाइगर फॉल है, बाकी कैंट एरिया है और ठंडी जगह है, देखते हैं। ओहो ठंडी हवा, क्या ठंडी हवा आ गई, ठंडी हवा आ गई। हम तो भूल गए थे चक्राता अच्छी जगह है। तो दोस्तों अभी हम चक्राता पहुंचने वाले हैं, 2 किलोमीटर रह गया है और मौसम है बहुत ही अच्छा है, प्लीजेंट है। वो सामने मुझे भी चक्राता दिख रहा है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जून का समय है और वेदर इस समय यहाँ पे अच्छा है, सुहाना हुआ है, बिल्कुल ठंडक है हल्की। और
बड़ा मज़ा आ रहा है कार ड्राइविंग करने में। आगे ऊपर दिखाओ। दोस्तों, चकराता पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने चकराता मार्केट देखा, जो कि एक छोटा सा है, और यहाँ पे हमने मोमोज काफ़ी अच्छा मिलता है यहाँ पे, और जो फास्ट फूड है चाइनीज चाउमीन हुआ वो काफ़ी अच्छा मिलता है। इसके अलावा एक छोटा सा जो मार्केट है, इसमें आपके ऑर्गेनिक जो है दालें, ऑर्गेनिक पंसारी की जो भी आइटम है वो मिलते हैं यहाँ पे, हिमालय से जो भी जड़ी बूटियाँ होती है वो भी मिलती है। और ये जो मार्केट छोटा सा है, आप आधे घंटे में यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, और बड़ा ही आप हमें आनंद आया। साथ ही साथ बरसात भी हो गई थी तो एक अलग रोमांस था। आप यहाँ पे चाय पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, होटल्स भी हैं कुछ, वहाँ पे आप रह सकते हैं। तो एक अच्छी जगह लगी मुझे, तो यहाँ पे ज़रूर आइए चकराता मार्केट में, जो कि मेन चौक से, जब आप देहरादून से चकराता आएंगे मेन चौक से 3-4 किलोमीटर के ऊपर है, आप यहाँ आ सकते हैं और आनंद ले सकते हैं चकराता मार्केट का। हेलो, इधर आओ, सबके सब इधर आओ, इधर आओ। कहाँ रखे हो? चकराता। चकराता रखे हो? मौसम कैसा है यहाँ का? ठंडा है, अभी बरसात हुई है, अभी भी बारिश, और भी ज़्यादा ठंडा हो गया, हल्का ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा, ठंडा ठंडा मेरे को नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने टाइम, अब क्या करना है ना, खाना खाना खाओ, आराम से चलेंगे फिर, और क्या है। वो देखो 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 देखो, देखो बादल आ गए, बादल पूरे नीचे हैं, हम ऊपर हैं, बादल नीचे हैं, देखो दोस्तों, चकराता में सिर्फ एक ही चीज़ एंजॉय करने के लिए है, वो है वेदर। जब भी आप वेदर में आए, चाहे ठंड में आए चाहे गर्मी में आए, यहाँ का वेदर बहुत सुहाना होता है। और ये देखिए, इस समय हम चिलमेरी पॉइंट में हैं। चिलमेरी पॉइंट आप आओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक ऐसी खास जगह में आ रखे हैं हम, जहाँ से आपको पूरे हिमालय के दर्शन होते हैं। और ये सबसे पहले, मतलब यहाँ पे चकराता में सबसे पहले यहाँ बर्फ़ गिरती है, और ये बहुत ही ऊँचा पॉइंट है, और यहाँ से आप पूरा एक सीनिक व्यू देखने का एक अलग ही आनंद हो जाता है। और सनसेट जो है यहाँ पे लोग देखने आते हैं शाम को, तो एक अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे ज़रूर आइए, आपको बहुत आनंद आएगा। काफ़ी देर तक बैठे रहा मैं भी यहाँ पे, और एक अच्छा नज़ारा देखता रहा, बहुत ही आनंद आया।
पूरे जितने भी घाटी हैं और पहाड़ हैं वो सब यहाँ से दिखते हैं और एक अच्छा सा रोमांच जैसा महसूस होता है। यहाँ पे जरूर आएं। दोस्तों ये है चिलमिरी व्यू पॉइंट चक्राता, जो कि टॉप में है और हम आज आ रखे हैं चक्राता। बड़ी सुंदर जगह है, इस समय मौसम बिल्कुल अच्छा बना हुआ है और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा है, ठंडक है बिल्कुल। आ रखे हो चक्राता में, कौन सी जगह है चिलमिरी व्यू पॉइंट? चिलमिरी व्यू पॉइंट सनसेट एंड सनराइज पॉइंट है। तो दोस्तों ये चक्राता चौक है, यहाँ से राइट मुड़ोगे तो मार्केट जाएगा और आगे जाओगे से आगे निकलोगे तो टाइगर फॉल है, 18 किलोमीटर लाखों में चौसठ है मार्केट। दोस्तों ये हमारी चक्राता की यात्रा आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और हमने काफ़ी इन्जॉय किया यहाँ पे और एक वेदर का इन्जॉय किया। हालांकि हमने सिर्फ दो डेस्टिनेशन ही कवर करे, एक चिलमिरी व्यू पॉइंट और एक आपका चक्राता मार्केट। बाकी यहाँ का असली चीज़ जो है उसका वेदर ही इन्जॉय करने का है और जो भी मैंने बताया दूर दूर डेस्टिनेशन है जैसे कि लाखा मंडल है और आपका एक चक्राता वाटरफॉल है जो कि थोड़ा दूर है, तो उस जगह आप जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल में और देखते रहिए मेरे चैनल, तब तक के लिए बी क्रिएटिव, एंजॉय प्रेजेंट लाइफ। धन्यवाद।